लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना, इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में चार कालम रहेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। पहले इसके बाद कक्षा में दो विषय गणित और समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम पहली हेडिंग रहेगी, बच्चे दैनिक जीवन पर आधारित घटाव वाले प्रश्नों को जानते हैं व उसे हल करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण घटाना, एक अंकों का घटाना हमें सिखाना है बच्चों को इस शिक्षण योजना में। इसके बाद दूसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक, कंकड़, तीलियाँ और कंचा, जो भी वस्तुएँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी सहायता से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। इसमें भी चार कालम रहेंगे, पहला कालम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग आती है शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट, सहभागिता और प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे एक पेड़ में, पहला प्रश्न हमने लिया, एक पेड़ में 5 चिड़िया बैठी थी तो दो चिड़िया उड़ गई तो कितनी चिड़िया बची, बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि एक पेड़ में 10 टमाटर लगे थे, 4 टमाटर तुमने तोड़ लिए, अब पेड़ में कितने टमाटर बचे। तीसरा प्रश्न है तुम्हारे पास 6 टॉफियाँ थी, 2 टॉफी अपनी बहन को दे दी, अब तुम्हारे पास कितनी टॉफियाँ बची। अगला प्रश्न आता है इसमें एक, हमने चौथा प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न लिया है कि तुम्हारी शर्ट में 7 बटन थी, 2 बटन टूटकर कहीं गिर गई, अब तुम्हारी शर्ट में कितनी बटन शेष रह गई। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के दौरान, इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट, सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि परिवेश में उपस्थित विभिन्न घटकों का मतलब बच्चों को बता देंगे कि घटक क्या होता है, विभिन्न वस्तुएं की संख्या में से कुछ निकल जाने पर या कम हो जाने पर या किसी को देने पर वह संख्या कम हो जाती है, यही निकल जाना या कम हो जाना घटाना कहलाता है, और इसका चिन्ह कैसे होता है, इस तरह से हम चिन्ह बच्चों को बता देंगे माइनस का। अब इसके बाद हमने प्रश्न कुछ बच्चों को समझाया है, इसमें जैसे हमने एक प्रश्न, पहला प्रश्न लिया है कि हमारे पास मान लो 2 आम थे, 2 में से 1 आम निकल गया तो कितना बच गया, 1 आम बचा। अब इसको हम शब्दों में बता देंगे कि 2 आम में से 1 आम हटाया गया तो कितना बचा, 1 आम बचा। अब इसको हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 2 में से 2 माइनस यानी ऋण 1 बराबर हमारे पास कितना बचा, 1। अब इसी स्तंभ विधि से हम कैसे हल करेंगे, इसे भी हम बच्चों को बताएंगे। अब 2 ऐसे लिखे, ऊपर 2 लिखेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे, फिर ऋण का निशान लगाएंगे, फिर उसके नीचे उसका जो उत्तर आएगा उसको लिखेंगे, यानी 2 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसको बच्चों को बताना है। आगे इसके देखते हैं कुछ प्रश्न हमने इसी तरह से और इसमें शामिल किए हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है कि 3 पपीता, दूसरा प्रश्न, 3 पपीता लिया, 3 पपीता में से अगर 1 पपीता हमने हटा दिया, 1 पपीता हमने खा लिया तो कितने पपीते बचेंगे, 2 पपीते बचेंगे, बच्चों को समझा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको शब्दों में कैसे बोलते हैं, हम जैसे आम भाषा में तो बोल देते हैं कि 3 पपीता में से हमने 1 पपीता खा लिया या 1 पपीता हटा दिया तो कितने पपीता बचे, 2 पपीता बचे। अब उसको गणित की भाषा में हम कैसे बताएंगे कि 3 ऋण 1 बराबर 2 होता है। अब इसे स्तंभविध में किस प्रकार से लिखेंगे, अब 3 ऋण 1 बराबर 2 इस तरह से हम स्तंभविध में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बता देंगे। अब इसी तरह से एक प्रश्न हमने और लिया कि मान लो 4 चिड़िया थी और 1 चिड़िया उड़ गई या कहीं निकल गई झुंड से, अब कितनी चिड़िया बचेंगी, 3 चिड़िया बचेंगी। ये तो हो गया शब्दों में कि 4 चिड़िया में से 1 चिड़िया उड़ गई, अब कितनी बची, 3 चिड़िया बची। अब इसको हम शब्दों अंकों में यानी गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 4 ऋण 1 बराबर 3 लिखेंगे। इसे स्तंभ विधि से इस प्रकार से लिख लेंगे, 4 ऋण 1 बराबर 3। इसी तरह से एक उदाहरण हमने और लिया है बच्चों को समझाने के लिए, जैसे हमने लिया है 4 स्याही की शीशी ले लिया, बोतल ले लिया, अब इसमें से 4 बोतल में से 3 बोतल निकल गई तो कितनी बोतल बची, 1 बोतल बची। अब इसको गणित में कैसे लिखेंगे, 4 ऋण 3 बराबर 1 लिखेंगे या 4 माइनस 3 बराबर इक्वल टू 1। अब इसे स्तंभ विधि से किस प्रकार से लिखेंगे, 4 ऋण 3 बटे 1, यानी पहले बच्चे चित्र के माध्यम से सीखेंगे, फिर उसको हम आम भाषा में शब्दों में कैसे बोलते हैं उसको सीखेंगे, इसके बाद वो गणित की भाषा में सीखेंगे, इसके बाद वो स्तंभ विधि से हल करना उस प्रश्न को सीखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न हमने और लिया है कि इसमें मान लीजिए हमारे पास 3 संतरा थे और 3 संतरा निकल गए या 3 संतरा हमने खा लिया तो कितने संतरा बचे, 0 बचे। यहाँ पर हम क्लास में जब बच्चों को बताएंगे तो 0 लिखेंगे नहीं, ये बॉक्स खाली रखेंगे। ये शिक्षण योजना में हो सकता है हमने कहा किसी को समझ में ना आए तो इसलिए हमने इसको दिखा दिया इसमें। अब इसी तरह से इसको हम शब्दों में कैसे बोलेंगे, 3 संतरा में से 3 संतरा निकालने पर 0 संतरा बचेगा।
अब बच्चों को बताना है कि सून संतरा का मतलब, जैसे तीन संतरा आपके पास थे और तीन संतरा खा लिए, या तीन संतरा आपने किसी को दे दिए या इसमें से निकाल दिए, तो आपके पास एक भी संतरा नहीं बचेगा, ये हमको बताना है। ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य, कुछ बच्चे शून्य बताएंगे, नहीं, एक भी संतरा नहीं बचा, अर्थात उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके स्थान पर हम शून्य लिख सकते हैं। अब तीन संतरा में से तीन संतरा निकालने पर कितना बचेगा, शून्य बचेगा। अब तीन में से तीन, ये गणित की भाषा में बता देंगे कि इसको तीन में से तीन जब घटाएंगे, तीन ऋण तीन बराबर जीरो हो जाएगा। इसे स्तंभ विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, तीन उसके नीचे तीन लिखेंगे, ऋण का निशान लगाएंगे और नीचे जीरो जो उसका उत्तर आएगा उसको लिखेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे शिक्षण के अंत में इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट, अवलोकन द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए हमने बच्चों को कुछ प्रश्न दिए हैं इस तरह से, इसमें ये हमने एक फूल बताया, एक फूल में से एक फूल अगर निकल गया या आपने किसी को दे दिया तो कितने फूल बचेंगे। इसके बाद इसको हमने अंकों में इनको बता दिया। इसके बाद हमारे पास दो सांप थे, दो सांप में से दोनों सांप कहीं भाग गए, कहीं रास्ते में आपको दो सांप दिखाई दिए, दोनों भाग गए, कितने बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, एक भी सांप नहीं बचेगा, तो इसमें बच्चे लिख देंगे। इसके बाद इसको हमने फिर अंकों में दिखा दिया, पहले वस्तुओं के माध्यम से, ठोस वस्तुओं के माध्यम से बताया, इसके बाद उसको यानी चित्रों के माध्यम से, फिर उसको ठोस वस्तुओं के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, इसके बाद उसको हल करेंगे। इसके बाद ये हमने एक प्रश्न लिया, इसमें पेड़ दिखा दिए हम। अब इसी तरह से खरगोश, दो खरगोश थे और दो खरगोश निकल गए उसमें से, तो कितने बचेंगे, ये बच्चे हल करेंगे। और इसके बाद कुछ प्रश्न हमने स्तंभ विधि से भी दे दिया है बच्चों को अभ्यास के लिए, कि कैसे उनको हल करना है ये भी उनको सीखना है। बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्न हल करते समय शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को निम्न प्रश्न घर से हल करके लाने को कहेंगे, ये प्रश्न हमने घर के लिए दे दिया। इसके बाद शिक्षक की आगामी कार्य योजना, कक्षा शिक्षण के दौरान आई परेशानियों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।